दोस्तों, जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, इनमें हम जो विंटर प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग या फिर उनके सीड ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अभी से अगर हम की कटिंग लगाना या सीडलिंग करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले विंटर सीजन में इनसे हम अच्छे से फ्लावरिंग कर पा सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब हम इस टाइम पर अच्छे से कटिंग तैयार करे रहेंगे, सीड जर्मिनेट हुआ रहेगा, तो हमें टाइम नहीं लगता है उनसे फ्लावरिंग लेने में। अगर हम लेट में सीडलिंग या कटिंग ग्रो करते हैं तो उसी तरीके से हमें फ्लावर भी लेट मिलते हैं। तो अभी जो सितंबर का मंथ चल रहा है, अभी हर जगह मतलब बारिश तो जा चुकी है लेकिन कहीं कहीं पर हो रही है, तो अगर जिसके यहाँ पे बारिश अभी भी हो रही है या जा चुकी है वो भी ग्रो कर सकती हैं, जिनके यहाँ नहीं हो रही वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग आज आप लोगों को लगाना बताऊँगी, और सीड भी बताऊँगी कौन कौन से पौधे की आप सीड ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, ये आप जो प्लांट देख रही है गुलदावदी यानी कि क्रायसैंथेमम के प्लांट है। विंटर की शुरुआत इन्हीं फूलों से होती है और हमारे मेरीगोल्ड के प्लांट से होती है। तो फिलहाल ये जो दोस्तों आप देख रहे हो क्रायसैंथेमम, ये तो कटिंग से ही लगते हैं। जिस स्टार्टिंग में मैंने दिखाया इनकी छोटी सी कटिंग मैंने भी ग्रो करी हुई है, तो इनके पर छोटी से एक इंच की भी कटिंग अभी ग्रो करेंगे तो 100% कटिंग लग जाती है, और उनको पिंचिंग करते जाएंगे तो इसी तरीके से घना घना फूल आपको मिलता जाएगा। और गुलदावदी की दोस्तों बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, हाइब्रिड, देसी, जो भी आपको चाहिए होता है वो आपको कलर मिल जाते हैं। नर्सरी में जाएंगे तो अभी भी उनकी कटिंग तैयार करी जा रही है, वहाँ से इन पौधों की कटिंग आप तैयार करके वहाँ से कटिंग भी लाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं गुलदावदी को। और देसी, हाइब्रिड, फिलहाल अभी आपको देसी वैरायटी मिलेगी, हाइब्रिड तो नर्सरी वाले बाद में लाते हैं। हम लोग के पास अगर सेव रहती है तो हम तैयारी कर लेते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सी वैरायटीज़ हैं, देसी भी हैं, हाइब्रिड भी हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है, तो इनकी कटिंग मैंने स्टार्टिंग में दिखा जो वही है, और भी वाइट कलर में येलो स्पाइडर वाली भी वैरायटीज़ आती हैं, ते बंचेस में खिलते हैं। अगर अभी हम इनकी कटिंग लगाएंगे और प्लस क्या होता है कि इनकी पिंचिंग करेंगे तो आने वाले टाइम में यानी नवंबर से फ्लावरिंग देना दोस्तों शुरू कर देते हैं। तो इनके भी दोस्तों फटाफट से आप कटिंग ग्रो कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं पिटूनिया की बात करूँगी। पिटूनिया दोस्तों फिलहाल बहुत ही कम लोगों का हो गए, तो मैं बता दूँ 10% लोगों के पास पिटूनिया होगा या नहीं होगा। और इनके दोस्तों सीड से ग्रो किया जाता है, तो अभी जो टाइम चल रहा है इनकी आप सीडलिंग कर सकते हैं, देसी वाले भी कर सकते हैं, हाइब्रिड वाले भी पिटूनियाज आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सीड से ही ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। इनके कलर भी मतलब मल्टीपल पैटर्न में अभी आने लगे हैं, सिंगल पैटर्न में कुछ इस तरीके से एक में दो कलर आते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हो। इसको फिलहाल दोस्तों स्टार पिटूनिया के नाम से बोला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं स्टार्टिंग में। जब मैं बता दूँ अक्टूबर से लेके ये दिसंबर तक अच्छे से खिलते हैं, जब बहुत कड़ाके की ठंड होने लगती है उस टाइम पे थोड़ा सा ये खिलना कम कर देते हैं, क्योंकि धूप उस टाइम में नहीं निकलते। फिर जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं इनको धूप की नीड होती है, उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा क्लांचो है, यानी कि ये दोस्तों हाइब्रिड वाले क्लांचो। देसी वाले तो फिलहाल हमारे गार्डन में रहते हैं, अगर हाइब्रिड वाले ये देख रहे हो जो स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा, येलो, पिंक और भी कलर में आते हैं क्लांचो, तो इनके भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो विंटर सीजन होता है इनके लिए बेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग। ये बता दूँ तो महीने, दो महीने तक ये फूल खिले रहते हैं, यहाँ तक कि अप्रैल, मार्च तक, मई तक ये फूल खिलते ही रहते हैं, अगर हम ना हटाएं तो फूल लगे ही रहते हैं। तो इनको भी दोस्तों कटिंग से आप लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी कटिंग अगर मैं बताऊँ तो इनकी कटिंग जैसे हमारा मॉस रोज होता नहीं है, बस तोड़ के लगा दो मिट्टी में लग जाती, सेम उसी प्रकार ये भी हैं। बस ओवर वाटरिंग से इनको दोस्तों बचा के रखना, अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट पे भी नहीं रखना, अभी इनको साइड में रखिएगा तो प्लांट अच्छे से चलेगा। जब सर्दियों में प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं उस टाइम पे इनको धूप दिखाए, क्योंकि जो इनकी सर्दी की गुलाबी धूप होती है ना, उस टाइम में इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे सर्दियों में अच्छे से खिलने वाला दोस्तों हमारा हाइब्रिड सदाबहार भी होता है, इनको सीड से फिलहाल ग्रो किया जाता है।
कटिंग भी लग जाती है, ऐसा नहीं कटिंग नहीं लगती। मैंने तो अक्सर जो सदाबहार वेड सदाबहार की कटिंग ग्रो करी, विंटर में ग्रो करी है, वो 100% सक्सेस भी हो जाती। इतना मैं रेनी सीजन या अदर सीजन में लगा तो उस टाइम पे नहीं ग्रो होता, लेकिन विंटर में 100% लग जाती है। तो इनकी अभी सीडलिंग कर सकते हैं, कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये है, इसे हम विंटर बाल्सम बोलते हैं, वैसे इनको इम्पेशंस के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन ये विंटर बाल्सम है। बहुत अच्छे से फ्लावर खिलते हैं, तो इनके भी तो इसको भी सीड से ही ग्रो किया जाता है। और ये मैं बता दूँ, सर्दी में जब मैं लेकर आई थी दोस्तों, मुझे जब से लाए बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर मिलते रहे हैं। तो ये भी दोस्तों कटिंग से लग जाते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, बस प्रॉपर इनको धूप दिखाते रहिएगा, 100% ये भी आपके गार्डन में लग जाएंगे। तो ये हमारा खूबसूरत सा मतलब बालसम, यानी इम्पेशंस अलग होता है, बालसम अलग होता है, लेकिन वैरायटी देखने को ऐसे मिलते हैं, इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा जेरेनियम है, जिसके यहाँ पे जो ठंडक रहती है अक्सर, जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ गिरते रहते हैं वहाँ पे ये प्लांट अभी सरवाइव कर रहे होंगे, तो इनकी भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। हालांकि सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, सीड और कटिंग से भी लगते हैं, दोनों से ग्रो हो जाते हैं। तो किसी के पास अगर सीड है तो सीड से भी लगा सकते हो, प्लस कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बंचेज में आते स्टॉक फ्लावर देते हैं, तो इन्हें भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं, ये बेस्ट सीज़न है इनको लगाने का। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा है खूबसूरत सा सालविया का प्लांट है, ये सीड से ग्रो होते हैं, तो इनकी भी सीडलिंग अभी आप लोग कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे इनसे हम अच्छे से फ्लावरिंग कर सकते हैं। सालविया में बहुत से कलर आते हैं, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो मुझे तो फिलहाल रेड ही कलर अच्छे लगते हैं, और मैं रेड ही लेकर आती हूँ, और गार्डन में जब रेड कलर खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से बंचेस में फ्लावर ये भी दोस्तों बहुत टाइम तक बने रहते हैं, मैं बता दूँ तो ये महीनों तक इस तरीके से खिले ही रहते हैं। उनमें इस तरीके से हमारा टिकोमा नहीं होता है तो मुँह ऐसे बना रहता है, इसी तरीके से इसमें भी रहता है, और फूल ये एक्सपैंड होते जाते हैं, सीड भी इनमें बनते जाते हैं, अपने आप फ्लावर ड्रॉप करते जाते हैं, नए फूल निकलते आते हैं, स्टॉक में निकलने वाले लॉन्ग टाइम तक ये खिले ही रहते हैं। तो कटिंग से भी लग जाते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा गोमफ्रेना है, गोमफ्रेना को फिलहाल सीड से ग्रो किया जाता है, ये भी पूरे विंटर अच्छे से खिलते हैं, कटिंग से लग जाती है सीड, बस फूल उनके तोड़ के डाल दीजिए गमले में, आसानी से उगाता है, और वैसे तो परमानेंट प्लांट होते हैं, लेकिन विंटर में भी अच्छे से खिलते हैं, साथ में ये पूरे साल देते रहते हैं। तो उनको सीड या कटिंग से जिससे आप ग्रो करना चाहते हैं अभी ग्रो कर लीजिएगा, फिर कभी भी आपको इसमें दोस्तों अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सीड्स मिल जाते हैं, जैसे कि रेड कलर का, वाइट, पिंक और ऑरेंज भी आते हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके जो मल्टीपल कलर रहते हैं। और एक बार जब आ जाते हैं ना आपके गार्डन में तो कभी जाएंगे नहीं, खुद से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कहीं भी इनको तोड़ के गमले में डाल दोगे तो नया पौधा रेडी ही हो जाता है। तो गोमफ्रेना को आप अपने गार्डन में जरूर दोस्तों ऐड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा वर्बीना है, तो वर्बीना भी सीड से ही ग्रो होता है। ज़्यादातर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जिनके यहाँ पे ठंडक रहती है वो इनको सेव करके रखते हैं, मैंने भी सेव करने की कोशिश करी, लेकिन गर्मी जब ज़्यादा होने लगी थी दोस्तों जून में, उस टाइम पे पौधे हमारे सारे विंटर वाले मर गए थे, मैंने दाइंतेस इनको भी बचाने की कोशिश करी तो ये सारे ख़त्म हो गए। फिलहाल इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, प्लस कटिंग से भी लगा सकते हैं, जिनके पास प्लांट अभी सेव होंगे उनको आप कटिंग से ग्रो कर लेंगे, जिनके पास सीड है वो सीड से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है पैंसी है, तो पैंसी भी सीड चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो वो सीड से ही ग्रो होते हैं, और पैंसी के दोस्तों मल्टीपल कलर आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट से फूल, इसमें ऐसा लगता है किसी बंदर का या फिर तितली बटरफ्लाई बनी रहती है, तो इन्हें भी हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैरीगोल्ड है, अभी तो फिलहाल मैरीगोल्ड जो होते हैं हाइब्रिड वाले बहुत अच्छे से विंटर में मिल जाते हैं, तो कटिंग से और सीड से दोनों लग जाते हैं। जाफरी मैरीगोल्ड में तब आपको इतने सारे वैराइटीज़ मिलेंगे लगेंगे इस विंटर में ना, इनकी अभी सीडलिंग शुरू कर दें। मैं बता दूँ विंटर की जो शुरुआत होती है मैरीगोल्ड से और हमारे जो गुलदावदी है ना उनसे होती है, तो इन दोनों को सीड और कटिंग से तैयार किया जाता है, तो इनको ज़रूर आप लोग अभी ग्रो करें, ताकि आने वाले विंटर जो फेस्टिवल सीजन होता है ना बहुत अच्छे से चलता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कॉसमॉस है, ये विंटर वाले कॉसमॉस है, तो इनको भी सीड से हम ग्रो कर सकते हैं, अगर मेरे पास सीड होंगे तो मैं ज़रूर ग्रो करूँगी इन सबको, ताकि इनसे हम फ्लावरिंग
ले सकें अच्छे से। यहाँ पे डायन्थस है दोस्तों, और डायन्थस को भी सीड से ग्रो किया जाता है। इनकी कटिंग भी इजीली लगी जाती है, छोटी छोटी कटिंग जो होती है ना लगा देते हैं तो अभी लग जाएगी। सितंबर का मंथ होता ही है प्लांट को कटिंग से या फिर सीड से लगाने का, तो ये टाइम अच्छा है। अगर आपके पास प्लांट्स हैं सीड हैं तो ग्रो कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको ढेर सारे फूल देने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है गुलाब, यानी कि इसे आप नर्सरी से ला के लगा सकते हो, चाहे वो देसी हो, हाइब्रिड हो, इंग्लिश रोज़ कोई भी हो। अगर आप इनको अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो करते हैं तो मैं बता रही हूँ 100% ये आपके गार्डन में लग जाएंगे। और विंटर सीज़न में दोस्तों बहुत अच्छे से, अगर मैं बताऊँ तो गुलाब के लिए जो बेस्ट सीज़न होता है ना वो विंटर होता है। विंटर में आप कटिंग ग्रो कर लीजिए, इनकी प्रोनिंग कर दीजिए, फ्लावरिंग जितनी अच्छे से लेनी है आप इनसे फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो गुलाब के लिए दोस्तों आप लोग कटिंग कलम जिसे बोलते हैं ना, कलम करके लगाइएगा, कोई भी कलर कोई भी वैरायटी 100% इस टाइम पे तो लग ही जाती है। जो हमारा ये सीज़न सितंबर का चल रहा है, अभी सितंबर जाने वाला है, बट इस टाइम में आप गुलाब की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। सीड से तो मैं नहीं बता सकती, बट कटिंग आपके 100% लग ही जाएगी, तो इन्हें भी आप लोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यहाँ पे प्राइम रोज़ है जिसको हम प्लूमेरिया के नाम से भी जानते हैं, बहुत अच्छे बंचेस में फूल आते हैं, तो इनको सीड से ही ग्रो किया जाता है। इस प्लांट को मैंने बचाने की कोशिश की, शेप करने की कोशिश करी थी लेकिन बारिश में नहीं बचा था। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों डहेलिया, डहेलिया को भी सीड से कटिंग से दोनों से ग्रो किया जाता है। अगर मैं बताऊँ सीड वाले सिंगल पेटल के रहते हैं, और जो बल्ब से लगते हैं ना कटिंग से लगते हैं वो मल्टीपल पेटल वाले होते हैं, तो इन सबको भी आप कटिंग से इजीली आप ग्रो कर सकते हैं और इनसे आने वाले टाइम में फ्लावरिंग भी अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों डेजी वाले फ्लावर हैं, ये हालांकि सीड से ही लगते हैं, अगर आपके पास सीड हो तो सीड से ग्रो कर सकते हैं, नहीं आप ऑनलाइन अगर परचेज करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल ही जाते हैं विंटर सीड के, और बहुत अच्छे से मतलब फ्लावरिंग देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को ऑनलाइन परचेज करना, बहुत सी वेबसाइट हैं विंटर सीड के, तो उन्हें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सीड से ग्रो होने वाला ये खूबसूरत सा हमारा जो प्लांट है ये है गजानिया। गजानिया में तो आपको मल्टीपल कलर देखने को मिल ही जाते हैं, और इनके जो फ्लावर होते हैं सनफ्लावर जैसे रहते हैं, जब धूप निकलती है दोस्तों तब ये खिल जाते हैं, और धूप ढलते हैं यानी शाम होते हैं फूल मुरझा जाते हैं, दूसरे दिन फिर ये मतलब मैं बता दूँ 5-6 दिन तक इनके फूल हफ्ते भर भी खिले रहते हैं। तो गजानिया को भी दोस्तों आप लोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गुड़हल दोस्तों तो होते ही हमारे गार्डन की शान होते हैं, गुड़हल में बता दूँ विंटर में बहुत अच्छे, चाहे देसी वो हाइब्रिड, जब डोरमेंसी का टाइम बता दूँ, डोरमेंसी का जो पीरियड होता है वो लास्ट दिसंबर से लेकर पूरी जनवरी तक डोरमेंसी में रहते हैं, यानी 1.5 महीने तक के डोरमेंसी में ही रहते हैं। उसके बाद जो मतलब इनकी ब्लूमिंग होती, जो ग्रोथ होती है वो पूछे मत, तो आप इन्हें भी कटिंग से फ़िलहाल लगते हैं ग्रो कर लीजिए, आने वाले टाइम में आप इनसे ढेरों फ्लावर ले सकते हैं। वैसे हाइब्रिड वाले जो गुड़हल होते हैं ठंडी में अच्छे से खिलते हैं, तो कोई भी वैरायटी हो फटाफट से आप कटिंग ग्रो करिए और आने वाले टाइम में इनसे अच्छे से फ्लावरिंग लीजिएगा। तो विंटर सीजन के लिए दोस्तों ये सारे हमारे प्लांट्स हैं जिसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, प्लस आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अगर आप सभी को दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की जब वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों बिना देरी के झटपट से इन सारे पौधों को आप लोग ज़रूर लगाएं, चाहे सीड से हो या फिर कटिंग से। मिट्टी में दोस्तों बता दूँ जाते जाते कि मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन हो सके तो सैंड, या वैसे विंटर प्लांट के लिए आप कोकोपीट बेस्ट होता है, कोकोपीट में लगाइएगा, नमी का ध्यान रखिएगा, फिर आपकी जो जितनी भी सीड या कटिंग होगी जर्मिनेट हो जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।